गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज हम ट्रिप के लिए, छोटा सा ट्रिप के लिए जा रहे हैं। कोकण जा रहे हैं, अलीबाग नागांव बीच पर घूमने वगैरह के लिए नहीं जा रहे, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई और मेरे दो तीन दोस्त। तो आज अलीबाग की जर्नी दिखाएंगे आपको, पुणे टू अलीबाग। अभी इधर चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे, तो दोस्त लोग आ गए हमारे, अभी आदमी निकल रहे हैं। ये अपनी गाड़ी, ये नरे में स्वामीनारायण मंदिर है सामने, इधर चाय पीने के लिए रुके थे। मुंबई के एक्सप्रेस हाईवे से नहीं जाने वाले, जो टू व्हीलर का रोड है ना अलीबाग को जाने के लिए, उस रोड से जाने वाले। उधर सीन वगैरह अच्छा है और एक्सप्रेस वे से मुझे एड्रेस भी नहीं मालूम। पिछली बार गया था तब 50-60 किलोमीटर में गलत रास्ते आगे चला गया था, इसलिए पुराने रास्ते से ही जा रहे हैं, वो याद है सबको, उधर से ही जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे रोड में ट्रैवल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अभी इधर रुके हैं वड़ा पाव खाने के लिए। दो जन रूम से आए ये और इसका हमारा दूसरा दोस्त, खाया नहीं कुछ तो इसलिए इधर खाने के लिए रुके हैं। वड़ा पाव खाएंगे अभी इधर और निकलेंगे तुरंत। हम है इधर मुंबई पुणे हाईवे पे, पुराना मुंबई पुणे हाईवे, उस हाईवे से जा रहे हैं जैसे कि सुबह ही बताया था मैंने। अब हो गया हमारा ब्रेकफास्ट ही कहेंगे इसको, ब्रेकफास्ट करके हो गए, अभी उधर पेमेंट चल रहा है। अभी निकलेंगे सीधा अलीबाग में रुकेंगे, उधर मच्छी वगैरह लेंगे, होलसेल में मिलते हैं, उधर बाजार भरता है सुबह सुबह। अभी सुबह तो नहीं भर रहा है, चालू रहेगा तो उधर से ही लेंगे और फिर निकलेंगे। अभी इधर अलीबाग में पहुंचे हम, इधर मच्छी मार्केट में जा रहे हैं मच्छी लेने के लिए, इधर होलसेल रेट पर मिलता है अलीबाग में। किसी को भी पूछेंगे आप मच्छी मार्केट तो बता देंगे आपको, किधर भी जा रहे हो किधर भी बना लेके लेके जा रहे हो ना मच्छी, तो इधर से लेके जाओ, होलसेल रेट पे मिल जाता है। नंबर का भी गेम, ये मार्केट है, थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ेगा, बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा। चिकन और मच्छी लेके हो गए, अभी दूसरा कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो अभी सब कुछ लेके हो गए, अभी और कुछ सामान लेने के लिए जा रहे। चार पापलेट के पूरी मच्छी, मतलब पापलेट कर रहे थे वो, और दो छोटे छोटे सुरमे 800 रुपये में दिए उन्होंने हमें, कुछ बार्गेन मतलब रेट मालूम नहीं इधर का, इसलिए 1000 रुपये बोल रहे थे पर 800 रुपये में लिए हमने, और भी कम हो सकता है जिसको रेट मालूम रहेगा मच्छी होगा, तो वैसे आप इधर आके ले के जा सकते हो। तो भाइयों हम आ चुके हैं इधर अलीबाग अपने नागांव बीच पे, पर गाड़ियाँ भी अंदर ला सकती है, उधर जगह है, पर ज़्यादा अंदर जाओगे तो लफड़ा होएगा, आपके हिसाब से आप अंदर जाओ। तो भाइयों अब हम नागांव बीच पर पहुंच चुके हैं, और पिछली बार जिधर रुके थे ठाकुर कॉटेज, उधर ही रुके। ये अपनी गाड़ी, इधर का रूम दिया है, ये अपने दोस्त लोग हिसाब कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब कर रहे हैं। अभी आपको रूम का छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये एंट्रेंस है, ये बाहर दो जन का बेड, अंदर दो जनों का बेड, और इधर वॉशरूम है। अभी रेट्स में आपको पता करके बताता हूँ, अगर हम यहाँ के हर बार के मेहमान हैं इसलिए हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, तो उस भाई से मैं रेट, प्रॉपर रेट जो होता है वो पूछता हूँ और आपको बाद में पता चलता हूँ। इधर वाटर स्पोर्ट्स और ये जो राइड है वो सब मिलेंगे, वाटर स्पोर्ट्स भी है, बनाना राइड और वो जेट स्की वगैरह सब कुछ मिलेगा। इधर जेट स्की उधर चल रहा है, हम तो कुछ करने वाले नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ किया हुआ है, हम सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आए हैं, इधर टाइम पास करने के लिए आए हैं, काम कुछ करने वाले नहीं है। बाकी आपको कुछ करना होगा तो आप कर सकते हैं। अभी बीच वगैरह घूम के हम सब आए हैं, वो वीडियो आपने देखी होगी। अभी स्टार्टर मंगवाया है, खाने के लिए बैठे हैं अभी,
तो ये है स्टार्टर, ये जो हमने मच्छी लाई थी, पापलेट और सुरमई ना, सुरमई। और इधर बनाने का रेट जो सब कुछ है वो आपको कल मतलब आगे वीडियो में बताएंगे हम, क्योंकि अभी वो बहुत भीड़ है इधर, तो सब बिजी है। तो कल हम जब निकलेंगे इधर से, तब उसका रेट वगैरह सब कुछ पता करके आपको भी बता देंगे। जैसा आप लोग को प्रॉमिस करा गया था, हम लोग आज ठाकुर कॉटेज के ओनर जो है उनके पास आपको उनसे आपको मिलाते हैं, और वो आपको सारे के सारे रेट्स, खाने पीने का और रहने पीने का सारा रेट्स आपको आज बताएंगे। ये हमारे साथ ये ठाकुर कॉटेज के ओनर है। सर तो बताइए, आपके इधर रहने के लिए क्या क्या मतलब कैसे कैसे अवेलेबिलिटी है, कैसे रहने के लिए? मेरे इधर मतलब कि मेरा कॉटेज ठाकुर कॉटेज का नाम करके मैप है लोकेशन, उधर का रेट अलग अलग रहता है। मतलब एसी रूम का 2200 रुपये है, नॉन एसी का 1500-1800, मतलब कितना कैपेसिटी रहता है उसके ऊपर है। अच्छा, मिनिमम कितना, एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं? मतलब एक रूम में 5 लोग रहते हैं, बड़ा वाला डोरमेट्री है उसमें 10 लोगों का है, वो 10 लोगों के लिए हॉल प्लस बेडरूम और टॉयलेट बाथरूम अटैच रहता है उसके, और बाकी का रूम भी बड़ा बड़ा है, छोटा वाला नहीं है ज़्यादा, मतलब उसके हिसाब से मिल जाता है। तो जैसे बता रहे हैं कि आपके पास एसी और नॉन एसी दोनों रूम्स अवेलेबल रहते हैं, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको सारे के सारे रूम्स मिल सकते हैं, प्लस फैमिली और बैचलर जितने भी लोग हैं वो सब लोग इधर आके रह सकते हैं, अच्छे से कोई इश्यू नहीं है। और ये लोग अपने ये लोग खाना वाला भी आपको बना के देते हैं, अगर आप लोग बाहर मेन मार्केट से फिश लेकर आते हैं इधर, तो ये लोग आपको पूरा खाना वाला बना के देते हैं। तो अभी आपको खाने का प्राइस बताएंगे कि इन लोग के रेट्स कैसे हैं। मैं किला के हिसाब से रेट लेता हूँ, 350 रुपये किलो के हिसाब से, 350 रुपये किलो आप, और 100 रुपये थाली, मतलब आपको मछली फ्राई करके चाहिए तो 350 रुपये किलो के हिसाब से रहते हैं, और थाली चाहिए तो उसमें ही कोलंबी का रस्सा या कोई भी रस्सा बना के और वो फ्राई, ऐसी थाली 100 रुपये थाली के हिसाब से रहते हैं। और चिकन का कैसा है? चिकन का थाली 200 रुपये थाली है, स्पेशल थाली लेंगे तो 250 रुपये है, उसमें सूखा चिकन, रसा चिकन, कांदा नींबू, ये सब आते हैं, चपाती, राइस, अनलिमिटेड रहता है वो। भाई लोग सीन ऐसा है कि कल हम लोगों ने इधर एंजॉय करा खूब, बहुत मज़ा आया हम लोग को, स्पेशली इनका जो खाना था और जो हम लोगों ने फिशेज बनाने के लिए बोले थे, जैसे बनाने के लिए बोले थे वैसे के वैसे एग्जैक्टली आए थे। कल्चर के हिसाब से एक नंबर जगह है, और आप लोग इधर कभी भी आके विजिट कर सकते हो। तो हमारा कोकण का ट्रिप जहाँ हम लोग अलीबाग में गए थे वो अभी ख़त्म हो गया, अभी हम लोग वापस से जहाँ से निकले खेड़ शिवापुर वहाँ पर पहुँच गए। हमारा ट्रिप एक नंबर गया था, और आपको अगली बार कहीं पर कोकण में या फिर अलीबाग, स्पेशली अलीबाग में कहीं किधर जाना रहेगा आप लोग को, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करके हमको मैसेज कर सकते हो, नहीं तो हमारे इसी वीडियो पे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो कि किधर जाना है, कौन से मार्केट से क्या लेना है, क्या नहीं करना है करके। एंड अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि उधर जाने का, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन ट्रिप फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ इन्जॉय इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर, एंड डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट।